बिसमिलारम रही जुमा के बहुत प्यारे दिन के साथ मैं हूँ आपका बहिशबाज़ बड़ैद मेरे चाहता है मेरे सारी यूट फैमिली को ढेरों से प्यार मोहब्बत और असल अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसा मुस्कुराता चादरबाद रखी मैं 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 भी अपनी सारी यूट फैमिली के प्यार मोहब्बत और सपोर्ट का हमेशा तरह शुक्रिया अदा करता हूँ उसके लिए थैंक्स लॉट धन्यवाद ज़ाला शुक्रिया अभी आप देख रहे होंगे कि सर्दी का मौसम है और मैं हाफ बाज़ू की शर्ट पहन कर बैठा हुआ हूँ एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले ना मैं एक्सरसाइज कर रहा था और उसके बाद धूप भी निकली हुई है तो थोड़ा सा ना गर्मी फेल हो रही थी तो मैंने सोचा कि अपनी वीडियो जो है ना वो बना कर तो उसके बाद जुमा की तैयारी करना शुरू कर दूँगा और अगर ठंड लगी तो धूप में बैठ जाऊँगा बहर अभी बेहतर ही फील हो रहा है खैर अल्लाह पाक आज के जुमा के सदके मेरी आपकी सबकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें सही तंदुरुस्ती फरमाएं अच्छा तो जी आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माफ़ी तलाफी की डीडी का आज ब्लॉग आया और उसमें उसने टाइटल लगा रखा था कि सलमा से मैंने माफ़ी मांग ली है ना सलमा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मतलब इस तरह का उनका टाइटल था अब उनकी वीडियो देखी और वीडियो में उन्होंने बिल्कुल एंड पर जाकर इस बात का ज़िक्र किया कि मैंने तो माफ़ी मांग ली है नहीं माफ़ी अब देखे मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि मैं अभी टाइटल पर ही फंसा हुआ था अच्छा खैर डीडी ने ये कहा कि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कमेंट्स कर रहे हैं कि आप जो है वो व्यूज़ के लिए यहाँ सऊदी अरेबिया गए हैं और वहाँ पर भी आपके व्यूज़ नहीं आ रहे तो उसने कहा है कि कोई बात नहीं मैं यहाँ पर आबादत करने के लिए आया हूँ और रिव्यूज़ आए या ना आए मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बाद में उसने कहा कुछ लोग कह रहे हैं कि ए, मैं अगर उम्र पर आया हुआ हूँ और सलमा से माफ़ी नहीं मांगूंगा तो मेरा उम्र कबूल नहीं होगा तो ऐसी बातें लोग कर रहे हैं और डीडी का कहना था कि मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ सलमा से मैंने कौन सा बुरा किया है उसके साथ अल्लाह ताला की आज़ाद जा, जानती है और अल्लाह ताला, ताला बेहतर समझते हैं बाकी उसने कहा है कि अगर आप लोग इस चीज़ से खुश होते हैं तो मैं सॉरी करता हूँ चलो ठीक है सॉरी माफ़ी मांगता हूँ अब तो आप लोग खुश अब आप तो आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है देखें डेडी भाई अल्लाह ताला की ज़ात अबातें कबूल करने वाली हैं और वही अबातें रद्द भी करने वाली हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं क्यामत के दिन कई लोगों की नमाज़ों को उनके मुंह पर दे मारूंगा जो क्रिया करके नमाज़ें पढ़ते जी जो आप अमल करते हैं ना वो दिल से करें वो क्या कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है पर नहीं रखती ताकते परवास मगर रखती है मतलब यह है कि अगर आप इसलिए ए, सोच रहे हैं कि ए, अगर लोग कहते हैं कि सलमा से माफ़ी नहीं कि तो आपका उम्र कबूल नहीं होगा तो क्या आप बता सलमा से माफ़ी मांगने के बाद कबूल हो जाएगा इसकी क्या गारंटी है और ए, अगर आप सलमा से माफ़ी नहीं मांगते तो अल्लाह ताला की जात के खजाने में कोई कमी है अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही ऐसा किया है। देखें जो काम करें दिल से करें लोगों की क्या लोगों के लोगों ने आपसे कहा है कि माफ़ी मांग लें आप लोगों के रज़ा की खातर माफ़ी मत मांगें ये बात बिल्कुल गलत है आप कहें कि मैं अल्लाह ताला के घर में यहाँ पर आया हूँ मैं ना किसी से खुद दिल में कोई रखना चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे बारे में अपने दिल में रखे तो मैंने अगर किसी के साथ गलती की है तो मुझे माफ़ी माफ़ कर दें बंदा ऐसे जनरली माफ़ी मांगता है कि अगर मैं मेरा दिल मैं तो किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं है लेकिन अगर किसी को लगता है कि सरमा को अगर लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है तो वो मुझे माफ़ कर दे सारा ने किया है तो वो मुझे माफ़ कर दे मैंने जिस के साथ गलत किया है जानबूझकर किया है या गलती से हो गया है मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और वो अल्लाह ताला के रजा के लिए क्योंकि मैं अपने रब को यहाँ पर राज़ी करने के लिए आया हूँ तरीका ये होता है लोगों की क्या है लोग ए, लोगों ने ना तो लोग आपको रिजक देते हैं और ये अल्लाह ताला की जात ही होती है जो आपको ए, आपके अच्छे बुरे की जो है ना वो फ़ैसला करती है और ए, बाकी ये है कि चलो हो सकता है कि कई लोगों को अल्फाज के चुनाव का नहीं पता होता कई लोगों की जो होती है और तरह की सोच होती है लेकिन वो बात करते हुए उन्हें पता नहीं चल रहा होता बरअल जो कुछ भी है मैं इस चीज़ को ना नेगेटिव बिल्कुल नहीं लूँगा और ये मामलात हैं अल्लाह ताला की जात और बंदे के दरमियान अगर वो माफ़ी मांगता है अपना दिल साफ करता है आगे भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि मैंने भी अब मैं तो सलमा से भी यही कहूँगा कि देखिए ये उस जगह पर आया है मदीना शरीफ में आया है और यहाँ पर आकर इसे लगा है कि मैं मदीना शरीफ में हूँ ये एक बहुत पाक जगह है और यहाँ पर मैं अपने दिल में किसी के लिए भुगस नहीं नफ़रत नहीं रखना चाहता तो वो माफ़ी मांग रहा है तो बड़ी बात ये तो होती वहीं पर है जो बंदा वहाँ पर मौजूद होता है हर वक्त उसी जगह पर आना जाना क्या उसका दिल नरम नहीं होता क्या उसका दिल सख्त हो जाता है तो वो भी सॉरी कर सकती हैं या कह सकती हैं कि मैंने ए, भी ए, अगर आप लोगों को लगता है कि किसी जगह पर मैं गलत हूँ या मैंने ग़लती की है ये जो कुछ सौ तरीक़ाकार होता है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए मामला आगे बढ़ाने चाहिए एक्चुअली माफ़ी मांगना बहुत बड़ा दिल गुर्दे का, का काम होता है और जब आपसे कोई गलती हो तो देर ना करें उस गलती को सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सॉरी कर लें माफ़ी मांग लें अल्लाह ताला की जात माफ़ी मांगने और माफ़ करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है अब देखते हैं कि उधर से भी माफ़ी ना आती है या नहीं आती और उसके अलावा डीडी का बीबी का ब्लॉग देखा बाबर का ब्लॉग देखा जिसमें उस वो कह रहा था कि सतारा के लिए सास उर ने बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है उनका ब्लॉग देखा वो दोनों भाई शॉपिंग कर रहे थे वापस आने की तैयारियाँ हो रही हैं और अभी वापस आएंगे तो डेफ़िनेटली उनके साथ अम्मी भी होंगी लेकिन ये जो बाबर है वो इस्लामाबाद जाएगा और डी जाएगा कराची क्योंकि दोनों ने टिकटें करवा रखी हैं रिटर्न टिकटें होंगे होंगी हुँ, तभी ये लोग गए होंगे अदरवाइज़ हो सकता है मैं सोच रहा था कि डी डी भी जाए इस्लामाबाद और सबसे मिल कर आए इनके साथ ही हो सकता है टिकट कन्वर्ट भी हो सकती है मैं इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास लेकिन क्या पता है के आने वाले वक्त में वो इकट्ठे चले जाए हाँ तो जी इस तारा के लिए जो बहुत खूबसूरत गिफ्ट जो उनकी सास सर ने दिया है बाबर की और डेडी की वो थी जाए नमाज़ सतारा के लिए स्पेशल उन्होंने लेकर भेजी है तो अल्लाह ताला उनकी कबूल फरमाई ये जो भी काम करें वो कहते हैं कि दिल से करना चाहिए प्यार से करना चाहिए मोहब्बत से करना चाहिए और इस तारा की अमीर के साथ इनकी जो सास है उनके काफ़ी अच्छे तलकत हैं इस वक्त क्योंकि दोनों बुज़ुर्ग हाजी गुल मोहम्मद साहब और अम्मी जान और के बाबर के सास ससर ये दोनों अकेले अकेले ही होते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे एक दूसरे के साथ गप शप की टाइम गुजार अच्छा तुझे जी रबीना आंटी का ब्लॉग देखा रबीना आंटी का टाइटल लगा हुआ था कि अब मैं किसके पास रहूँ कि? ये मैंने ना कई बार उनका टाइटल देखा है अब मैं कहाँ रहूँगी मैं कराची रहूँगी या गांव रहूँगी अब मैं बच्चों के पास रहूँगी या अमीन के पास अब मैं नैना के पास रहूँगी अब मैं पता नहीं ए... इंसान का एक घर ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर उसे पता हो कि ये मेरा घर है और मैंने यहाँ पर अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी वो अपने हस्बैंड के पास होती हैं और हस्बैंड के पास आप अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें अगर अभी आप आपके आप समझते हैं कि मामला जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि आप अपने बच्चों के पास रहें तो अदरवाइज़ अगर डीडी के पास आकर रहती हैं तो यहाँ पर उनके लिए जो हैं वो मामला खराब हो सकते हैं क्योंकि सनिया के साथ उनके मामला ठीक नहीं है फातिमा के साथ रहेंगी तो हो सकता है कि फिर ए, ए, को गड़बड़ हो जाए नैना और रवीना आंटी का मामला आपस में ठीक चल सकते हैं दोनों माँ बेटी एक घर ले सकते हैं रेंट पर और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो बेटी के ससुराल में रह रही हैं क्योंकि उनका जो बेटी का ससुराल है हास्बैंड कुल मिलाकर सारा कुछ है तो वो खुद नैना के मतलब ये है कि नैना के कहने के मुताबिक उसको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं काम काज वो नहीं करता नैना क्या है? साथ ही उनका ड्यूटी लगी हुई है पी ए पी ए टू नैना हाँ पी ए टू नैना तो प्रोटोकॉल ऑफिसर <laughs> अच्छा वो जो है वो उसके साथ होते कल ना मुझे ना ये नैना लोग गए हैं रहीम यार खान अरबीना आंटी के पास वहाँ उन्होंने अली को रबीना आंटी को दिया और उन्होंने आगे फैसला बाद जाना था किसी को कुछ सिखाने के लिए अब काफ़ी पैसे लिए होंगे इतना ज़्यादा सफ़र करने का तो अली जो है वहाँ उनके साथ मौजूद है और वहाँ पर तीन चार लोग आए हैं सारे वीडियो बना रहे हैं नैना तुम्हारा क्या हाल है एक तो बंदा आया हुआ था वो तो बेचारा ना कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था वो कह रहा था कि शाहरुख को आप तो हमें शाहरुख खान जितने अजीज और सुनाए क्या हाल है सब ने कैमरे पकड़े हुए और नैना और शाहरुख मैंने सोचा ज़िंदगी में पहली बार ख़ुद को ना अपने आप को बहुत समझ रहे होंगे कि हमें भी इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है कोई इधर से वीडियो बना रहा है कोई इधर से वीडियो बना रहा है तो खैर से अली को वहाँ पर दिया हुआ था रुबीना आंटी को रुबीना आंटी ने अली को उठा रखा था और वहाँ पर अली ने कोई गर्म कपड़े पहने नहीं हुए थे शाम का वक़्त था सर्दी हो जाती है पंजाब में तो मैं सो सोच रहा था कि इस बच्चे को कहीं गर्म कपड़े पहनाएं सबसे पहले जाकर एक वीडियो बाद में बनाई जा सकती हैं या खैर उन्होंने वहीं पर सोचा होगा जो दो तीन आए हुए थे वहाँ पर बिलागर्स अमीन साहब थे आंटी रवीना थी एक दो और थे तो खैर वहाँ से ये चले गए अब कुल मिलाकर बात यही है कि रवीना आंटी रहेंगी कहाँ पर तो उन्हें अगर हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती तो नैना के पास रहें और ज़्यादातर तो बहनें यही कहती हैं कि आप इससे डिवोर्स लें और जाकर रहें चाचू अकबर के साथ वहाँ पर एक बेटे के साथ दोनों मियाँ बीबी रहे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें अल्लाह पा सबको अपने हिफ्जो मान में रखें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह अल्ला हाफरा